अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चीची, डायन संहिता, ये तो आरंभा। डायन संहिता जिसे 30 साल पहले मैंने अग्नि को समर्पित कर दिया था, लेकिन आज वापस मुझे इसकी जरूरत पड़ी है, इसलिए इसे लाना पड़ा। अब यही दिलाएगी मुझे मेरी नागमणी और मेरी शक्तियां। मिल गया रास्ता रंभा। हाँ। पार्वती, सुनो सुनो। पार्वती भाभी तुझे ये सब करने से रोक रही थी, लेकिन अब देख ऐसे लगता है खुद ही डीडीएलजे देखकर आई है। बेहोश होने का नाटक कर रही है ताकि शिवाय भैया उनका व्रत खुलवा सके। सुनो उठो, अरे उठो शिप्रा, पानी दो जल्दी। अरे उठ जाओ यार। बहुत शौक है ना तुम लोगों को खेल खेलने का। पहले पार्वती ने तुम लोगों का मनोरंजन किया डांस वाला खेल खिला के, अब मेरी बारी। चलो लुक्का छिपी खेलते हैं। जी जी, आपको यकीन है ये काम करेगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये सब मैं नहीं। कहीं ये सब दामिनी ने तो नहीं किया? दादी जी, डायन संहिता के अनुसार अगर मैं शिवाय के साथ वापस से अपना रिश्ता बना लूंगी तो नागमणि की सारी शक्तियां मुझे मिल जाएगी। अगर किसी डायन के अंदर नागमणि है और अगर वो किसी कारण से सुप्त स्थिति में चली गई है तो उस नागमणि को वापस जगाने के दो रास्ते हैं।
या तो वो शक्ति नागमणि को वापस जगाए जिसने उसे निष्क्रिय किया है, या डायन को ऐसे पुरुष के साथ संबंध बनाना होगा जिसके अंदर 5 वर्ष से अधिक नागमणि रही हो। शिवाय के अंदर ये नागमणि 30 सालों से है। इसका मतलब अगर शिवाय के साथ संबंध बना लूं तो मेरी नागमणि की शक्ति लौट आएगी। नादी जी, मोक्ष, शिवाय, शिवराम। भोलेनाथ, मुझे कुछ भी करके दामिनी को रोकना ही होगा, पर इससे पहले मुझे घर वालों को ढूंढना होगा। मैं यहां कैसे? ऊपर मना रहे हैं। वो तो मना लिया, तुम्हें याद नहीं है? तुम भी ना, मुझे पता है तुम्हें चीजें याद नहीं रहती, इसलिए मैं चाहती हूं कि अब हम अपनी नई यादें बनाएं। हे भोलेनाथ, ढाकरिया ने सबको कहां रखा होगा? आज दामिनी को नागमणि सक्रिय करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। इतना शर्मा क्यों रहे? मुझसे दूर रहा करो दामिनी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो किससे प्यार करते हो तुम? पार्वती से। जानना चाहते हो तुम्हारी पार्वती के साथ क्या कर सकती हूँ? अष्टधातु खंजर है, इसके वार से नाग नागिन की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है, और इस वार के बाद किसी और वार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्वती,
माँ कहलाने लायक नहीं हो। पार्वती का पुनर्जन्म तो नागलोक में हुआ था, पर तुम मेरी छोटी सी बच्ची को चुराकर भाग गई थी अपने गंदे मकसद को पूरा करने के लिए। पार्वती यहां नहीं तो फिर पार्वती है कहां? मैं यहां हूं। जब जब एक बच्चे पर मुसीबत आती है तो सबसे पहले उसका सामना करने के लिए उसकी मां आगे खड़ी होती है। शिवाय, देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।